युवा साथियों, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं श्री रमेश बडूनी, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज मिसरास पट्टी में इस समय अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। और हम आपको बता दें कि हाल ही में आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है और दूसरी बार आपको ये पुरस्कार मिल रहा है, तो हमें बहुत खुशी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद भारती सर। ये जो पुरस्कार मुझे दूसरी बार मिला है, शायद इसीलिए मिला है कि मैं भौतिक विज्ञान का प्रवक्ता हूँ और भौतिक विज्ञान में मैं काफ़ी नवाचार को लेकर स्कूलों में अपनी सेवा दे रहा हूँ। जी, तो ये जो नवाचार आप भौतिक विज्ञान को लेकर कर रहे हैं, इसके बारे में हमारे युवा साथियों को बताएं। बेसिकली आज जो दुनिया में पढ़ाई को लेकर एक आप ये कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान को लेकर लोगों में बड़ी असमंजस की स्थिति है, भय की स्थिति है, उससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, तो मैं इनोवेटिव टीचिंग करता हूं जिसमें स्मार्ट लर्निंग और ख़ास करके डिजिटल या सिमुलेशन या कुछ इंटरैक्टिव बनाता हूं, ताकि जो कठिन संबोध हैं उनको बच्चों तक आसानी से पहुंचाया जा सके और बच्चे सरलता से उन्हें सीख सकें। जी, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप नवाचार कर रहे हैं और ऐसे यदि अन्य अध्यापक भी नवाचार के जो ढंग हैं उनको अपनाएं तो शिक्षण कार्य बहुत ही रुचिकर हो जाएगा, है ना? जरूर सर, जरूर। और ये तो अब भारत सरकार का एक बड़ा प्लान भी है कि सभी शिक्षक किसी तरह से डिजिटली साउंड हों और वो इन सब चीज़ों को सीखें, ताकि वो अपने क्लासरूम टीचिंग को इंटरेक्टिव बना सकें। बेसिकली उसमें ICT का इनपुट बहुत ज़्यादा है। ICT मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, ऑनलाइन भी है और हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म में भी है, हार्ड फॉर्म में भी है, बुक्स भी हैं और बड़े बड़े अच्छे ऑथर्स की बुक्स हैं। बट वो सारे कंटेंट को सुगमता से कैसे पहुंचाना है, उसके लिए हमारे को डिजिटली साउंड होना होगा और सभी शिक्षक को इस एरिया पे काम करने की ज़रूरत है। और अब उनके लिए निष्ठा करके एक भारत सरकार ने प्रोग्राम भी चलाया है हाल में ही, और उसमें लगभग 40 लाख टीचर इस साल ट्रेनिंग पाएंगे और वो किसी न किसी तरह से डिजिटली साउंड होंगे और अपने क्लासरूम में वो अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, जो निष्ठा कार्यक्रम है वो हाल ही में उसकी घोषणा हुई है और हमारे जो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने इसकी घोषणा की है और एक बहुत बड़ा कदम है शिक्षण के क्षेत्र में, बहुत बड़ा कदम। क्योंकि जब तक अध्यापक पूरी तरह से इक्विप नहीं होगा नई तकनीकों से, तो जो नए तरीके हैं बच्चों को सिखाने के, वो नहीं सिखा पाएगा। आज जैसे कि विषय है भौतिक विज्ञान और कैरियर, और आपने बताया भी कि आज एक छात्र जो है या छात्रा है वो असमंजस की स्थिति में है, ऐसा क्यों है? भौतिक विज्ञान में ऐसा क्या है कि वो इतना महत्वपूर्ण भी है और कई बार लगता है कि जटिल भी है? बहुत शुरू से ये मानता हूँ कि भौतिक विषय को या तो हमारे अध्यापक ने या हमारे अभिभावकों ने इसको बच्चों को इस तरह से परोसा है कि वो इसको पहले से ही उनको जटिल बता देते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। अगर हम इसको सरलता से देखेंगे तो भौतिक विज्ञान जो है हमारे आसपास का जो वातावरण है उसमें होने वाली जितनी गतिविधियां हैं उन सब में निहित है, और इसको पढ़ाना और विषयों के अपेक्षा ज़्यादा सरल है, क्योंकि हम बच्चे को सीधा सीधा अपने फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकते हैं और उसके लिए हमारे पास सारी गतिविधियाँ लगभग अवेलेबल हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम बच्चे को कितनी सुगमता से वो एक्टिविटी दे सकते हैं। जी, यदि हम वर्तमान समय की बात करें, हमारा चंद्रयान 2 जो है वो मून पर उसकी सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली है, तो इसमें भौतिक विज्ञान के सारे जो फिनोमिनाज हैं कहीं ना कहीं लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो सब चीजें हैं, तो इसको जैसे आप बता रहे सिमुलेशन के माध्यम से आप पढ़ाते हैं, यदि इसको समझाया जाए तो कैसे समझाएंगे? बेसिकली हमारे पास अब ऐसे टूल अवेलेबल हैं जिनको हम कह सकते हैं डिजिटल टूल। उनमें हमारे पास जैसे मैथमेटिकल टूल्स है, जियोजेब्रा, रोबोनिक्स है, इसी तरह से ब्लेंडर है जो एनिमेशन टूल है, और हमारे पास फैट सिमुलेशन है। तो उनमें हमारे पास छोटे छोटे कमांड्स देने होते हैं जो विंडो बेस्ड हैं। अगर किसी को प्रोग्रामिंग नहीं भी आती है तो वो विंडो पर भी अपने छोटे छोटे प्रोग्राम लिख सकता है और उस प्रोग्राम को वो कन्वर्ट कर सकता है जावा फाइल में, और वो फिर एक एनिमेशन बन जाता है। तो हाँ, तो कोई भी इवेंट है, जैसे मान लीजिए आप एस्केप वेलोसिटी को ही समझाना चाह रहे हो कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट जो है एस्केप कर जाता है अर्थ सरफेस के बियॉन्ड, वो कैसे चला जाता है, तो बड़ी आसानी से हम उसे सिमुलेशन के जरिया या किसी इंटरैक्टिव के जरिया, या आजकल एक नया चीज़ आया है जिसको बोलते हैं AR, ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ले सकते हो और उस ऑब्जेक्ट को कैसे एस्केप कराना है उसको भी हम
दिखा सकते हैं, तो वो आपको बिल्कुल रियल लगेगा। 3D एनिमेशन है और बड़ा इजी है, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेना है और उस पर आपको कुछ इनपुट्स डालने हैं और वो दिखाई देता है। और ये एक बार यदि किसी छात्र या छात्रा को समझ में आ जाए तो आजीवन उसको याद रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। मेरे ज़्यादातर जो काम है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, कि हम साइट पे जाके ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं बच्चों को, और वो फिर ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है वो उनको वहाँ पर मौके पे ही पता चल जाता है, तो उनकी लर्निंग वहीं पे परमानेंट हो जाती है। और फिर हम उसकी अगर शेयरिंग कर दें बड़े मास में, जो मैंने अपने क्लासरूम में सिखाया, तो हमारी बड़ी कम्युनिटी को उसका फ़ायदा हो रहा है। जी, तो बडूनी साहब, जैसे कि विषय था भौतिक विज्ञान और कैरियर, ये हाँ जी, ये एक बहुत कोर विषय है फिजिक्स, और इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। यदि हम इंजीनियरिंग की बात करें, जी जी, हम मेडिकल साइंस की बात करें, तो हम देखते हैं कि आजकल जेई जो मेंस और एडवांस परीक्षाएं हैं, इसमें फिजिक्स एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और इसके लिए तैयारी की बहुत आवश्यकता होती है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। लेकिन यदि रुचि पैदा कर ली जाए आरंभ से ही, हम ये मान के चले 6th, 7th, 8th जब फिजिक्स को एज अलग विषय के रूप में पढ़ा जाता है, तो शायद हम इस विषय में दक्ष हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। असल में बेसिकली हमें ये देखना चाहिए कि क्वेश्चन का टाइप क्या है। क्वेश्चन बेसिकली 5 तरह का होता है, 5 या 6 तरह से आप कह सकते हैं, 5W1H, मतलब जो क्वेश्चन का टाइप है वो हमें देखना है। और जो IIT है या नीट है या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जहाँ पर इस लेवल पे बच्चे को असेस करना होता है कि वो एक्चुअल में उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि नहीं, वो होते हैं वाई एंड हाउ बेस्ड क्वेश्चन, अप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, और उनके फिर मल्टीपल टाइप होते हैं। वो चीज़ अगर हमें बच्चे से निकालनी है, तो यहाँ पर फिजिक्स में बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन पूछने के, यानी आप एक क्वेश्चन को कम से कम 10 या 15 टाइप का बना के बच्चे के सामने रख सकते हो, और वहाँ पर बच्चे की प्रैक्टिस कम हो जाती है, या हमारे जो मेंटर्स हैं, गाइड हैं, कोच हैं, या जो हमारे टीचर्स हैं, वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बच्चे को नहीं देते, जिस वजह से बच्चों को डिफ़िकल्टी आ जाती है, क्योंकि उन्होंने पढ़ी तो होती है वो चीज़, लेकिन उन्होंने उस तरह से नहीं पढ़ी होती जिस तरह से वो पूछी गई है। जैसे अभी आपने बात की चंद्रयान की, तो चंद्रयान भी कुछ ऐसे ही है तो पूरा फिजिक्स से जुड़ा हुआ, ग्रेविटेशन सैटेलाइट लॉन्चिंग से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। हमारे कोर्स में भी एक 11th क्लास में पूरा एक चैप्टर है कि रॉकेट लॉन्चिंग क्या होती है, कैसे सैटेलाइट जो है अपने ऑर्बिट में एग्जिस्ट करता है, कैसे वो वहाँ पर काम करता है, ये सब है। लेकिन हम बच्चे को उस पर मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन बना के नहीं देते, और वहाँ इंजीनियरिंग में इस चीज़ पर काम होता है कि बच्चे को ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएँ ताकि वो एडवांस नॉलेज भी रखता हो, अभी लेटेस्ट जो हो रहा है उसको भी रखता हो, और यहाँ पर उसको फिर लॉस होता है, तो वो मेंटेन करने की ज़रूरत है। जी, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो समय हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं और भविष्य में नीट या JEE एडवांस बैठना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से तैयारी को अपना रूप? बिल्कुल, बड़े आसानी से सर, अगर समझना है फिजिक्स को, तो मैं सबको ये राय देता हूँ। एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं इवान, रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, और इनकी एक बुक्स है, और उन्होंने डॉग्स पे कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और वो ये देखते हैं कि डॉग्स का जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है वो कैसे उनके रिफ्लेक्शंस आते हैं, तो उसको वो पढ़ें, एक गूगल पर अवेलेबल है, वो कहीं पर भी जाके सर्च करेंगे तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये ऐसी बुक है जो मेरे ख्याल से बहुत स्लो लर्नर को भी हेल्प करेगी कि कैसे मेरे को तैयारी करनी है, क्या मुझे देना है एक्चुअल में, और मतलब डिटेल में हम यहाँ पर नहीं बात कर पाएंगे उसमें, लेकिन उसमें बेसिकली इस चीज़ पे जोर दिया गया है कि कैसे स्मार्ट लर्निंग हो सकती है, कैसे आप जल्दी से किसी चीज़ को ग्रैब कर सकते हो, और कैसे फिर आप रिफ्लेक्ट करोगे, मतलब आपके रिस्पॉन्स कैसे जल्दी से आएंगे। और इसी तरह से एक बड़े लेखक भी हुए हैं, और वो साइंटिस्ट भी हैं, फिल्मकार भी हैं, उन्होंने बहुत सारा काम किया है, और डिज्नी, वैटी डिज्नी, इनके कोट्स, इंस्पिरेशनल कोट्स लिखते हैं वो बेसिकली, तो इतने अच्छी अच्छी चीज़ें वो लिखते हैं जिसको पढ़ के भी हमें ये लगता है कि वास्तव में हमारा जो लर्निंग पैटर्न है वो बहुत डिफरेंट है, हम बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल मोड में पढ़ रहे हैं, और उससे हमें बाहर आना होगा। बडूनी जी, आपने बताया कि हमें जो पारंपरिक तरीके हैं उनसे थोड़ा हट कर अपनी तैयारी करनी होगी, और जो नवाचार आपने बताया, ऑनलाइन आपने बताया, कई चीज़ें हैं, और डाउट क्लियरिंग, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर डाउट्स आपके बने रहेंगे तो आगे आप अध्ययन नहीं कर सकते। हम जानना चाहेंगे कि भौतिक विज्ञान को लेकर कैरियर में क्या क्या संभावना है। एक तो आप एक इंजीनियर बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, उसमें भी फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल है, कम से कम परीक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका है, फिजिक्स का एक पेपर होता है जिसको क्लियर करना ज़रूरी है, उसमें अच्छे अंक लाना भी ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा यदि हम बात करें तो कहाँ का कैरियर आपको दिखाई देता है?
फिजिक्स में सर बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों को बहुत स्कोप है। पिछले 2-3 साल से एक नया जो सरकार का भी प्रोग्राम है जिसको हम कहते हैं किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, तो इसमें कक्षा 11 और 12 में पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप गवर्नमेंट देती है कि वो डायरेक्ट बीएससी और एमएससी करेंगे और रिसर्च के लिए वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उनको जो पूरा खर्चा है वो गवर्नमेंट देगी। और ये एग्ज़ाम भी पैरेलल टू जेई या किसी भी इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट होता है और इसमें ऑल इंडिया लेवल पर टेस्ट होता है और बहुत जिसे कहते हैं रिग्रस प्रैक्टिस के बाद ही बच्चे इस टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा फ्री है, आपकी पूरी स्टडी पूरा कैरियर इस पर बन सकता है। तो इसलिए भी जो है ये बड़ा अच्छा कदम है सरकार का भी कि इसमें गरीब से गरीब बच्चा भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और अगर हम देखें वैसे ब्रॉडवे में तो डिफेंस में, एयरफोर्स में, नेवी में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, वहाँ पर इंजीनियरिंग कोर्स में है या टेक्निकल लाइन में है तो फिजिक्स का काफ़ी वहाँ पर जहाँ तक कि एनडीए की जो परीक्षा होती बिल्कुल, है उसमें फिजिक्स की बहुत बड़ी भूमिका है। सीडीएस की जो परीक्षा है खास तौर से यदि आप एयरफोर्स और नेवी को सिलेक्ट करते हैं, इसी तरह से टीईएस भी है जहाँ पर टेक्निकल एंट्री सर्विसेज हैं डिफेंस में, तो वहाँ बच्चा सीधा ही इंजीनियरिंग के लिए सेलेक्ट होता है, वो भी ओपन कोर्स होता है, फ्री कोर्स होता है, वो डिफेंस सर्विसेज के लिए ही है जी। अब यदि हम बात करें कि अगर कोई सिंपल ग्रेजुएशन करता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हाँ जी से, तो उसमें भी फिजिक्स की बहुत बड़ी भूमिका है और उसके बाद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाएं, यूपीएससी से यदि हम सिविल सर्विस की बात करें तो बहुत बड़ी संख्या में लोग फिजिक्स को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं। ऑप्शनल में लेते हैं सर, ये बड़ी अच्छी बात है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ये मान के चल सकते हैं कि फिजिक्स लोगों को आसान लगता है। हाँ, स्कोरिंग भी है, स्कोरिंग भी है और इसके स्कोप इसलिए ज़्यादा हैं कि चाहे हम बायोटेक्नोलॉजी ले लें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले लें, या आज ओशनोलॉजी ले लें, इवन आर्कियोलॉजी ले लें, आर्किटेक्चर ले लें, सिविल इंजीनियरिंग ले लें, तो ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पर नए नए चीज़ें अभी आ रही हैं फिजिक्स को लेके। अब तो इस जो डेटा साइंस नया कॉन्सेप्ट आया है तो पूरा डेटा साइंस में जो फिजिक्स के रिसर्च स्कॉलर हैं वो अडॉप्ट हो रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जॉब वहाँ पर निकल के आ रहे हैं, क्योंकि बेसिकली ये साइंस ऐसी है जिसमें और सभी साइंस को हम इंक्लूड कर सकते हैं जी। बडूनी जी ये भी बताएं कि आने वाला दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है जी, तो इसमें भी फिजिक्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एग्जैक्टली, मैं यही आपसे पहले भी कह रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके या ऑगमेंटेड रियलिटी को लेके, वर्चुअल रियलिटी को लेके अगर हम बात कर रहे हैं तो ये टोटली एक ऑप्टिक्स है जिसको हम बोलते हैं प्रकाश की, तो प्रकाश का जो वेग है उस पर आधारित, मतलब आज की डेट में हमारा जो भी डेटा है उसका कलेक्शन हो रहा है, डेटा गैदरिंग उस पर हो रही है और उसी डेटा का जो रिफ्लेक्शन है वो एज ए टेक्स्ट है, एज ए ऑडियो है, एज ए वीडियो है, तो कोई भी कम्युनिकेशन अगर आज हमें फास्ट करना है और स्मार्टली करना है या उसको आप ये कहते हैं उसकी वैलिडिटी हमें रखनी है, अप्रोप्रिएट वो होना चाहिए, तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये बहुत ज़रूरी है, पूरा रोबोटिक्स इसी पर काम कर रहा है। अब बात करेंगे कि जो युवा अध्यापन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं हाँ जी, हायर एजुकेशन जैसे वो एमएससी करके फिर नेट और जेआरएफ के लिए भी बहुत अच्छे सब्जेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल है, बल्कि आज इस चीज़ की कमी है कि हमारे देश में जो स्कॉलर्स हैं रिसर्च स्कॉलर वो फिजिकल साइंसेज में बहुत कम है, वो बेसिकली 12th के बाद ही वो इंजीनियरिंग में चले जाएंगे या किसी टेक्निकल लाइन में चले जाते हैं, डिफेंस सर्विसेज में चले जाते हैं, तो वो एंटरप्रेन्योर बनने लग जाते हैं, तो हमें आज भी प्रोफेसर्स की बहुत कमी है, या ये आप कह लीजिए जो बड़े बड़े रिसर्च करने होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में रिसर्च होने होते हैं, हमारे डिफेंस में रिसर्च होनी होती है, तो वहाँ पर ऐसे स्कॉलर की ज़रूरत है जो इस साइंस को जानते हों। टेक्नोलॉजी एक अलग हिस्सा है और इसका जो बड़ा हिस्सा है वो फिलॉसफी है, यानी साइंस को जानना, तो वो रिसर्च अगर ज़्यादा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर पब्लिश होंगे, लोग ज़्यादा इनोवेशन करेंगे, तो हमारे लिए ऐसे प्रोफेसर चाहिए, ऐसे लेक्चरर्स चाहिए, ऐसे टीचर्स चाहिए, इवन प्राइमरी स्कूल से ही हमें इस चीज़ पे काम करना चाहिए ताकि बच्चा इनोवेटिव हो और वो कुछ इन्वेंशन करने की उसके अंदर कुछ ललक हो। तो बडूनी जी आज आपने बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे युवा श्रोताओं को बताया कि विज्ञान यदि हम बात करें तो उसमें भौतिक विज्ञान एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसमें व्यापक संभावनाएं हैं यदि इस विषय का अध्ययन आप करते हैं। और हम तो यही कहेंगे कि आप एक अच्छा सपना देखिए और वो सपने पे एक लाइन खींच दीजिए कि मेरे को यही करना है, वो लाइन एक फिजिकल लाइन होगी जो आपको दिखेगी, वो चैलेंज अगर आपको दिखेगा तो आप तैयारी भी वैसी करेंगे, और फिजिक्स का मानना यह है कि अगर आपने वो चैलेंज को स्वीकार किया है तो आपका जो जीवन है वो डेफिनेटली आपको एक परिवर्तित होकर दिखाई देगा।
आज आप स्टूडियोज में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, आपका स्टूडियोज में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।